मैंने बहुत पहले स्टीव जॉब्स का एक स्पीच सुना था, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि आज हम सब जिस मुद्दे पर इस पूरे प्रोग्राम में इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग हैं। हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग बहुत मेहनत करके, बहुत टैलेंट के साथ में, बहुत कमिटमेंट के साथ में अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बियंस में से, एनवायरनमेंट में से, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो मिसिंग रहती हैं कई बार। आज ये एक अनोखा संगम है दिल्ली सरकार के एजुकेशन डायरेक्टरेट के प्रयासों का कि हम अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को कैसे हाईटेक दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। 20 साल पहले का मोबाइल और आज के मोबाइल में कितना अंतर है। हमारे घर में लगा हुआ 20 साल पहले का टेलीविज़न और आज के टेलीविज़न में कितना अंतर है। हमारे डेस्कटॉप पे रखा हुआ कंप्यूटर 20 साल पहले कैसा होता था और आज कैसा है। तो इसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि 20 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी। हमें अपने इन बच्चों को उसी 20 साल बाद की दुनिया के लिए तैयार करना है, उसी वक्त के प्रोफेशनल्स के रूप में इनको तैयार करना है, उसी की फाउंडेशन रखना है। और आज का दिन उस 20 साल बाद के भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज जब हम अपने 6th class, 7th class, 8th, 9th class के बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात कर रहे हैं, उनको कोडर्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये वो बीज है जो फ्यूचर के लिए हम जमीन में डाल रहे हैं। अभी मैं जब इन बच्चियों के बनाए हुए वीडियोस देख रहा था, तो मैंने बहुत पहले स्टीव जॉब्स का एक स्पीच सुना था, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि दुनिया, उन्होंने कुछ उस तरह की बात की थी कि दुनिया में हर आदमी को प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए और हर आदमी को कोडिंग सीखनी चाहिए। तो वो बात कहते हुए जो लाइन थी बेसिक, जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि कोडिंग इज द न्यू जनरेशन लिबरल आर्ट, इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, it's not about designing, it's not about just creating some videos or some programs which people can use it, it's about creating art. ye sare bacche jo baat kehna cha rahe the, bahut artistic tarike se kehna cha rahe the, coding uska ek hissa hai. he said, Steve Jobs said ki coding is important because coding helps you to think, sochne mein madad karti hai. coding is not just about writing a program and executing it. इट्स अबाउट कि हमारे बच्चे सोचना सीखते हैं, वो कोरोना के बारे में सोचना सीख रहे हैं, वो कोरोना से लेके, एक लड़की ने वीडियो बनाया गर्ल चाइल्ड मैरिज पर, अर्ली चाइल्डहुड मैरिज पर, उसमें एक था, मैं उसको देखते, उसने लिखा था उस पर, शी फील्स हेल्पलेस, ऐसा कुछ था ना मैंने, हाँ, शी Yes, she was helpless. मैं वो सोच रहा था कि now she can code. She is not helpless because she can code. She can do coding. तो हम अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को उस दुनिया के लिए, उस जनरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं जिसमें कोडिंग एक सामान्य भाषा होगी, ठीक उसी तरह जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हम शायद कोडिंग कर रहे होंगे।